sukham asti viraktasya munehe ekant jivina. Isliye Upanishad kehte hain tyage naiken amritatva manashu. त्याग से ही तुम्हें उस अमृत की, उस आनंद की, उस सुख की प्राप्ति होगी. पैसों के लिए आदमी कितना लड़ता है, कितना मरता है. भाई भाई लड़ते हैं, बाप के साथ बेटा लड़ता है, दुनिया के साथ आदमी पैसों के लिए लड़ता है, किसी का गला काटता है, किसी को छलता है, बेईमानी करता है, और ये बेईमानी करके किसी का गला रेत कर, किसी को छल करके, लूट करके जो पैसा कमाया है, मजे की बात यह है कि वो पैसा यहीं रह जाता है. जब आदमी चलता है तो खाली हाथ जाना पड़ता है. जिसको पाया हुआ समझता था भ्रांति ही है. वास्तव में संसार को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता. हकीकत यह है कि जिसको पाना संभव नहीं है वही संसार है, और जिसको खोने का कोई उपाय नहीं वह परमात्मा है. परमात्मा को खोया कब था? जो तुम खोज रहे हो वो तो प्राप्त ही है, लेकिन हमारा अज्ञान तो देखो कि जो नित्य प्राप्त है उसको हम अप्राप्त समझते हैं, और जो कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता उसको प्राप्त करने के लिए, उस संसार को पाने के लिए हम मूल्यवान जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं. सच में ये मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है? इज इट सो? उसके व्यवहार से तो ऐसा ही लगता है कि बुद्धिमान नहीं, सबसे बेवकूफ प्राणी है. अतः सत्संग करो भैया, गुरुओं के पास जाओ, वे ही तुम्हें सही सही दृष्टि देंगे, ज्ञान देंगे, उन्हीं से विवेक होगा. बिनु सत्संग विवेक न होई. अंत में तो तुम्हें सुख ही चाहिए ना, तो सुख की चाबी तो यहां सत्संग में मिलेगी.